नीट इस देश के 20 लाख से भी ज्यादा परिवारों का एक सपना और आपकी इस जर्नी में आपका साथ देने के लिए हमने कॉलेज रिव्यूज की एक ऐसी सीरीज स्टार्ट की है जिसमें हम इंडिया के हर एक कॉलेज का रिव्यू करेंगे। हमारी इस जर्नी में मुझे आपका सपोर्ट एंड ट्रस्ट चाहिए। Hi everyone, welcome back to another interesting video. तो आज की हमारी वीडियो है ANI IMS अंडमान के बारे में। सो बेसिकली हमने यूनियन टेरिटरीज के कॉलेजेस को कवर करना स्टार्ट किया है एंड आज की वीडियो है हमारी अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड्स इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस पोर्ट ब्लेयर के बारे में। सो बेसिकली पोर्ट ब्लेयर अंडमान निकोबार के अंदर है। अंडमान निकोबार एक यूनियन टेरिटरी है। सो इन दिस वीडियो विल कवर एवरीथिंग अबाउट दिस मेडिकल कॉलेज। इस मेडिकल कॉलेज के बारे में जो भी तुम्हारे डाउट होंगे वो इस वीडियो के अंदर सारे के सारे क्लियर होने जा रहे हैं। तुम्हें कितने नंबर पे मिलेगा ये, यहाँ पे एडमिशन, क्या कट ऑफ स्कोर रहे थे लास्ट ईयर्स के, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसी है, रैंकिंग क्या है, फीस स्ट्रक्चर क्या, विल कवर एवरीथिंग इन दिस वीडियो। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सो इफ वी स्टार्ट विद द हाइलाइट्स ऑफ दिस मेडिकल कॉलेज, तो भैया ये मेडिकल कॉलेज स्टैब्लिश हुआ था ईयर 2015 के अंदर। कंप्लीटली ये गवर्नमेंट टाइप का इंस्टीट्यूट है एंड ये एफिलिएटेड है पोंडीचेरी यूनिवर्सिटी से एंड इट इज अप्रूव्ड बाय नेशनल मेडिकल कमीशन। अगर हम बात करें यहाँ पे ऑफर्ड कोर्सेज के बारे में, तो यहाँ पे यूजी के अंदर MBBS है, PG कोर्सेज यहाँ पे है नहीं, PG भी नहीं है एंड सुपर स्पेशलिटी कोर्स भी नहीं है। डेफिनेटली अगर PG नहीं है तो सुपर स्पेशलिटी कोर्स भी नहीं होने वाला है 99%। तो ओनली अभी के केस में यहाँ पे MBBS कोर्स अवेलेबल है इन दिस मेडिकल कॉलेज। नाउ इफ वी टॉक अबाउट द एड्रेस ऑफ दिस मेडिकल कॉलेज, तो एज आई मेंशन दिस मेडिकल कॉलेज इज इन पोर्ट ब्लेयर एंड पोर्ट ब्लेयर अंडमान निकोबार के अंदर है एंड जो पोर्ट ब्लेयर एयरपोर्ट है वो इस मेडिकल कॉलेज के कैंपस से अप्रोक्स 4.8 किलोमीटर्स की डिस्टेंस पे है। रेलवे स्टेशन यहाँ पे है नहीं आसपास इसके कोई भी, तो एयरपोर्ट से ही है डायरेक्ट कनेक्टिविटी, बाकी बसेज एंड वैसे रोड ट्रांसपोर्ट्स तो है ही, बाकी ट्रेन की कोई डायरेक्ट कनेक्टिविटी नहीं है यहाँ पे। रीजन इज यूनियन टेरिटरी, थोड़ा सा डिस्कनेक्ट हो जाता है बाकी अदर स्टेट से, तो दैट्स व्हाई। सो बात कर लेते हैं हम MBBS कोर्स के बारे में। सो भैया नीट यूजी के थ्रू तुम यहाँ पे एडमिशन ले सकते हो। देर आर 114 MBBS सीट्स फॉर यू, सो आई विश वन सीट इज यूल गेट वन सीट हियर। एंड अगर हम बात करें यहाँ पे फीस स्ट्रक्चर की, तो भैया यहाँ पे 1,16,650 रुपीज पर ईयर की तुम्हारी फी रहने वाली है। थोड़ी सी ज्यादा है बट सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर ये इंस्टीट्यूट आता है, तो आई डोंट सी एनी इशू एंड अगर तुम्हें मिल जाता है तो फील फ्री टू गो इन दिस मेडिकल कॉलेज विदाउट एनी इशू। बात कर लेते हैं अब हम लास्ट ईयर्स की कट ऑफ्स की। सो भैया ये तुम्हारे सामने ऑल इंडिया काउंसलिंग के फर्स्ट राउंड के स्कोर्स है, इन पे ध्यान दीजिएगा, दीदी पे ध्यान मत दीजिएगा। ये सारी की सारी कैटेगरीज लिस्टेड हैं लेफ्ट साइड में, जैसे ST, GN, EWS, SC, OBC, राइट। देन ये 2022 के फर्स्ट राउंड के काउंसलिंग के स्कोर्स हैं, ये 2023 के हैं सिमिलरली। जैसे अगर हम बात करें ST की, तो भैया 487 नंबर गए थे 2022 के अंदर, 495 नंबर गए थे 2023 में। सिमिलरली जनरल के 625 थे 2022 में, 629 से 2023 के अंदर। तो तुम देख रहे हो भैया यहाँ पे कट ऑफ बहुत डाउन है, तो तुम्हारे लिए एक बेस्ट कॉलेज है ये टारगेट करने के लिए। थोड़ा सा डिस्कनेक्ट रहोगे तुम अपनी कम्युनिटी से, सोसाइटी से, बट भाई बेस्ट मेडिकल कॉलेज है अगर तुम्हारे नंबर 600 के आसपास आते हैं, मतलब 630-640 के आसपास आते हैं। तो अगर हम बात करें SC कैटेगरी की, तो 510 नंबर थे 2022 के अंदर एंड 520 नंबर थे 2023 के अंदर। OBC के 610 थे, 621 नंबर थे। तो इस तरह तुम जिस भी कैटेगरी के अंदर आते हो ध्यान से समझो वेदर यू विल गेट एडमिशन और नॉट इन दिस मेडिकल कॉलेज, और अगर कोई भी इशू है तो फील फ्री टू कमेंट ऑन दिस वीक। अब बात कर लेते हैं हम यहाँ पे अच्छाज्ञान.com की, तो भैया अभी हम यूट्यूब के साथ साथ गूगल पे भी अवेलेबल है, तो हमारी वेबसाइट है www.अच्छाज्ञान.com। तो अगर अभी तक भी तुमने विजिट नहीं किया तो जाके चेक कर लो, यहाँ पे मेडिकल कॉलेजेस अवेलेबल है, जितना यूट्यूब पे कंटेंट है उससे बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में हर कॉलेज के बारे में डिटेल्ड ब्लॉग्स लिखे हुए हैं। तो अगर अभी तक तुमने चेक नहीं किया तो यार जाके चेक कर लो, नहीं आ रहा है तो भाई वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ा है, वहाँ से चले जाओ, ठीक है। हम बात कर लेते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर की, तो ये कुछ पिक्स है इस मेडिकल कॉलेज के कैंपस की, तो पिक्स बहुत ज़्यादा मिली नहीं थी, सो जो मिली हमने वो ऐड कर दी। सो इस वाले पिक को देख के बिल्कुल ग्रीन कैंपस लग रहा है ये एज एक्सपेक्टेड, एंड ये वाला थोड़ा पता नहीं यार, मतलब कुछ होल वगैरह है यहाँ पे उसका है। उसके बाद ये इनका बेसिकली OPD एंड इनका एसोसिएटेड हॉस्पिटल है उसका है, एंड ये इसका कॉलेज का कैंपस कुछ इस तरह का दिखता है अगर तुम थोड़ा सा पीछे जाके या बाहर से देखते हो। सो इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज आई डोंट सी एनी इशू, काफ़ी ग्रीन जगह रहने वाली है, काफ़ी अच्छी जगह रहने वाली है तुम्हारे लिए, बिकॉज बहुत सारे लोग घूमने जाते हैं भाई अंडमान एंड निकोबार, तो बहुत लोगों के लिए ड्रीम प्लेस है। तो अगर तुम्हारा यहाँ पे मेडिकल कॉलेज, इस मेडिकल कॉलेज में बेसिकली एडमिशन हो जाता है, तो तुम्हारी लाइफ भाई मजे वाली हो जानी है अगले 5 साल के लिए।
ठीक है। सो अब हम बात कर लेते हैं रैंकिंग की। सो ऑल इंडिया में इस मेडिकल कॉलेज की रैंक है 273 एंड स्टेट रैंक का वी डोंट हैव एनी डेटा सो विल नॉट कमेंट ऑन दिस। सो और स्टेट रैंक थोड़ी सी पीछे है, थोड़ी सी बेटर हो सकती थी बट उसके बहुत सारे रीज़न होते हैं। यहाँ पे पीजी कोर्सेज भी अवेलेबल नहीं है, राइट, डिस्कनेक्ट है थोड़ा सा सोसाइटी से लोकेशन वाइज, तो ये कुछ रीजन्स होते हैं इनकी वजह से बच्चे लोग प्रीफर नहीं करते इस तरह के मेडिकल कॉलेज में जाना। सो दिस इज़ दी रीज़न बिहाइंड दिस रैंक। बाकी ओवरऑल ठीक है यार, कोई इशू नहीं है। बात करें अगर हम बॉन्ड एंड स्टाइफंड की, तो भैया एक साल का बॉन्ड रहने वाला है एंड स्टाइफंड के बारे में यार कोई भी डिटेल किसी भी वेबसाइट पे, गूगल पे ही भी नहीं मिल पाई थी, इवन कॉलेज की ऑफिशियल साइट पे भी कुछ नहीं था स्टाइफंड का। तो अगर तुम यहाँ से MBBS कर रहे हो या फिर कर चुके हो तो कमेंट सेक्शन में बताना प्लीज़ कि यहाँ पे स्टाइफंड कितना मिलता है MBBS के बाद में व्हेन यू आर यू नो डूइंग योर इंटर्नशिप। सो यार ये थी आज की वीडियो, आई होप ये वीडियो तुम्हारे लिए यूजफुल रही होगी। अगर तुम्हें लगता है कि वीडियो ने थोड़ी भी हेल्प किया तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, जय श्री राम।